हाँ, मिड सेशनल ब्रेक का होम असाइनमेंट। ये आपके लगभग 10 से 12 दिन की छुट्टियाँ होंगी, उसके अंदर बहुत छोटा सा होमवर्क दिया जाएगा, बड़ा उपयोगी रहेगा आपको। जो वर्ल्ड और इंडिया मैप बेस्ड क्वेश्चंस, अपने कौन से लेसन में से बोर्ड कहाँ से देता है ये डेस्टिनेशंस, ये आपको ये 4 नंबर का आएगा, एक इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप की डेस्टिनेशन। बोर्ड पर्सन देता कहाँ से, वो लेसन है, कौन से में से आएंगे कौन से में से नहीं आएंगे, वो चीज़ यहाँ क्लियर की गई है। मिड सेशनल ब्रेक होम असाइनमेंट के अंदर यहाँ पर मैंने जो अपनी पहली बुक है मानव भूगोल, जो उसमें जो पहला लेसन है मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र, उसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आपको मैप की डेस्टिनेशन में पूछा जा सके। विश्व जनसंख्या वाले में नहीं आएगा, मानव विकास में नहीं आएगा, प्राथमिक क्रियाएं हैं उसके अंदर ही आएंगे। निर्वस संग्रहण क्षेत्र, चलवासी पशुचारण क्षेत्र, वाणिज्यिक पशुपालन क्षेत्र और आदिकालीन निर्वाह कृषि और गृह निर्वाह कृषि। आप वर्ल्ड के मैप के अंदर या तो एक ही मैप के अंदर ये सारे दर्शाओ, सारे दर्शाओगे तो इनके अलग अलग आपको साइन दिखाने पड़ेंगे, नीचे इंडिकेटर करके भी ये चीज़ है, ये चीज़ है। उसके बाद में कुछ जगह भी लिख सकते हो, जैसे चलवासी चरण पशुचारण क्षेत्र कहाँ कहाँ होता है, उसको आप ये थोड़े नीचे लिख भी सकते हैं। उसके बाद में द्वितीय क्रिया है, उसके अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता, और तृतीय और चतुर्थ में कोई नहीं बनता, यानी आप आ चुके हैं लगभग 5वें लेसन तक। अभी तक एक ही लेसन है जिसमें से ये डेस्टिनेशन आएगी। उसके बाद में छठा भी आ गया, 7वां लेसन है, उसके अंदर बहुत सारी डेस्टिनेशन है, उसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको जैसे पहले आप एक मैप में देखिए पार महाद्वीपीय रेल मार्ग और उनको दर्शा दीजिए, आपके दिमाग में क्वेश्चन भी रह जाएगा कि उसका आंसर ये है अगर पेपर में आता है तो। उसके बाद में प्रमुख समुद्री मार्ग में आप यूरोप के अलग दिखाओ, उत्तरी अमेरिका के अलग, दक्षिण अमेरिका के अलग, तो महाद्वीप होके उसको दिखा दोगे, यानी मुख्य समुद्री मार्ग नाम से करोगे तो यूरोप वाले में तो सिर्फ यूरोप यूरोप में आएंगे ना, बीच बीच में दूसरे में आएंगे नहीं, फिर उसी मैप में दूसरा मैप बदलना नहीं है। उत्तरी अमेरिका में आप इनको दिखा दो, दक्षिण अमेरिका में इनको, अफ्रीका एशिया ऑस्ट्रेलिया इसमें दिखा दो। फिर हवाई मार्ग आएगा तो उसके अंदर भी आप हवाई मार्ग करके महाद्वीप वाइज ये डेस्टिनेशन है वो दिखा दोगे, और अपनी एक बुक है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद आपकी दूसरी बुक आएगी जिसका इंटरनेशनल ब्रेक होगा, इंडिया मैप बेस्ट, इंडिया मैप बेस्ट क्वेश्चंस सेल भी फ्रॉम दीज चैप्टर्स। सेल भी इसलिए किया है कि इसी में से आएगा, इसलिए मैंने सेल का प्रयोग किया है यहाँ पे। अब इसमें देखिए पहला लेसन है जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। इसके अंदर आपको 2011 की पॉपुलेशन के अनुसार 2% पूछे जा सकते हैं, जो मैप में दे रखे हैं। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी घनत्व कहाँ है बिहार का, और सबसे कम किसका है अरुणाचल प्रदेश का, है कितना 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मानव बस्तियों में कुछ भी नहीं है। प्रमुख उत्पादक राज्य चावल, गेहूं, कपास, जूट, चाय, कॉफी और गन्ना। इनकी आप डेस्टिनेशन भी याद करो और आपको ये पता चल जाएगा, ऐसे पूछ भी लिया जाए कि भाई ये कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो कर्नाटक में होती है, दिमाग में भी रहना चाहिए, प्रश्न भी आ जाए तो भी, और डेस्टिनेशन में वो जगह आए तो वो आप जगह भी उसमें भरे। उसके बाद में खनिज ऊर्जा संसाधन का बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन है, इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है। इसके अंदर आपको लौह धातु है कौन से राज्य में है, ये सारी बॉक्साइट थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ठीक कर लेना। और इसके बाद में तेल क्षेत्र कहाँ है, तेल शोधन कारखाने अलग अलग है, तेल क्षेत्र कहाँ है और कारखाने कहाँ है इसके। इसके बाद में हमने ये देखा था भारत के संदर्भ में नियोजन है, सतत पोषण है, इंदिरा नहर और हरी के बैराज। इंदिरा नहर कहाँ से आती है, सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है, कौन से जिले में प्रवेश करती है, मसीता वाले कहाँ है, हनुमानगढ़ में कहाँ है, हनुमानगढ़ में। इसके बाद में फिर मुख्य पत्तन आएंगे, पत्तन जितने भी है वो आपको कौन सा एरिया है अपना, जो उसके आप चारों ओर से उसका ध्यान, कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोलंबो, तुतीकोरन, कोच्चि, मंगलुरु, मारमागाव और कांडला मुंबई, और ये हवाई अड्डा है ये, इनको भी आपको ये कर लेना। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप इनको अच्छे से करके लाएंगे, अच्छा होमवर्क होगा, अच्छी तैयारी होगी। धन्यवाद।